राधे राधे, जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। कुछ समय पहले मैंने घेवर वन की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैं लाडली को पोशाक पहना रही थी। काफी भक्त ये कह रहे हैं कि उसका मेजरमेंट बता दीजिए कि आपने मतलब कि क्या मेजरमेंट है वहाँ पोशाक पहनाने के लिए, क्या प्रक्रिया है वहाँ पोशाक पहनाने की। एक भक्त ने ये कहा कि आप लाडली को पोशाक पहनानी थी तो आपको बरसाना महल में क्यों नहीं पहनाई, आपने वहां पर मतलब कि क्यों पहनाई ऐसे इस तरीके से। आपने तो कहा था कि आप लाडली के लिए पोशाक बना रहे थे, इस तरीके से झूठ बोला है मैंने, इस तरीके से भी बोला। तो इसे काफी भक्तों की जो है ना ऐसे रिप्लाईज आ रहे थे मुझे वीडियो पर। तो मैं सबसे पहले तो सभी भक्तों को देखिएगा कुछ डाउट तो सबसे पहले वो क्लियर करना चाहूंगी। एक छोटी सी लीला है लाडली की जो मैं इसमें ही आपके साथ में शेयर करूंगी, कुछ ही शेयर करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी शेयर। देखिएगा मैंने जो है ना वहां के गोस्वामी जी जो है बरसाना महल के, उनसे कहा था कि मुझे लाडली को पोशाक पहनानी है, ठीक है राधे। तो जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझसे बोला हाँ पहना सकते हो पोशाक, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा आप पोशाक पहना सकते हो। तो मैंने बोला कि आप मुझे कुछ लाडली की पोशाक मिलेगी नाप के लिए, कि जैसे मैं नाप ले सकूं, जैसे कि मैं पहना सकूं। तो फिर उन्होंने कहा कि नाप नहीं मिलेगा आपको यहाँ से, नीचे ना मतलब कोई महल से जैसे नीचे उतरेंगे तो वहां पर लाडली के बहुत सारे टेलर हैं जो पोशाक बनाते हैं, आप उनसे जो है ना मेजरमेंट ले सकते हो, पोशाक बना सकते हो। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने ना जैसे ही मतलब मैंने बोला ठीक है, तो मैंने कहा मैं जल्दी ही लाडली को पोशाक जो है धारण कराऊंगी। तो उन्होंने बोला कि पोशाक बनाने के बाद 5100 रुपए आपको निछावर देनी होगी पहनाने की, मतलब पोशाक आपकी खुद की होगी, उसके अलावा 5100 रुपए आपको पहनाने के लिए देना होगा। तो मुझे सुनते ना एकदम धक्का सा लग गया कि मतलब कि ये एक तो हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना वो बहुत जितना भी अपना सेवा भाव में जितना कर सकते हैं उतना अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। अब पोशाक पहनाऊ लाडली को और पहनाई के लिए वो बोले 5100 रुपए लगेंगे अगर पहनाओगे तो आप। तो फिर मैं ऐसे ही मैंने बोला उनको, तो बोला मैंने ठीक है, ऐसे थोड़ा मन में ना उदासी सी आ गई, मैं लाडली को बोलने लगी वहीं खड़े होकर महल में ही लाडली के सामने, कोई ऐसे मन मन में नहीं तेज आवाज में नहीं बोलते हैं लाडली को, ऐसे करके मैं लाडली को बोल रही। मैंने कहा लाडली देख लो इन गोस्वामी जितने भी पंडित जी हैं इनको समझाते क्यों नहीं हो गोस्वामी जी को कि ना आपके पहनाई के लिए भी इतने मतलब की पैसे ले रहे हैं, और अगर किसी का ना सामर्थ्य और हृदय है उसका आपको दिल से पहनाने का तो क्या करेगा कोई। मैंने कहा लाडली अब आप ही निश्चय करो कि कैसे मतलब कि मेरी इच्छा को पूर्ण करो। ऐसे लाडली से खड़े होकर मैं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं कि कोई कितने मांग रहा है कितने नहीं मांग रहा है, या तो मेरा इतना सामर्थ्य बना दो कि मैं उनको दे पाऊँ जितने वो पैसे मुझसे मांग रहे हैं निछावर, या तो फिर कोई ऐसा रास्ता निकालो जो मैं आपके मन से सेवा कर सकूँ। फिर उसके बाद लाडली ने ही स्वयं से रास्ता घेवर वन की परिक्रमा कर रहे थे, तो जैसे परिक्रमा करते हुए ना वो हम घेवर वन में पहुंचे, सांकरी कोर्स करते जैसे घेवर वन में हम पहुंचे वहां पर, तो देखा वहां ना लाडली की पोशाक ना बहुत मैली सी हो रही थी, लाडली ने जो पोशाक पहन रखी थी मतलब ना धूल मिट्टी बहुत गंदी हो रखी थी लाडली की पोशाक। मुझे देखकर मन में भाव आया लाडो की पोशाक इतनी गंदी हो रही है यहाँ पर कोई करते भी है या नहीं करते, मैं ऐसे करके लाडली को बोल रही हूँ मतलब। इतने में ना वहां एक बाबा जी थे वो बोलने लगे कि यहाँ कोई नहीं करता है, मतलब कि कोई करने वाला नहीं है, आप जैसे भक्त आकर यहाँ पोशाक पहना देते तो वो लाडली जो है ना वो पोशाक धारण करती है। ये चीज मतलब कि समझ लीजिए मैंने कहाँ बोला लाडली को, वहां महल में, और लाडली ने वो कहाँ पूर्ण की मेरी बात आकर जब मैं अगली बार गई तब नेक्स्ट टाइम, तब लाडली ने कहा कि मुझे वहां तो लाखों पहनाने वाले हैं, यहाँ तो मेरा कोई करता ही नहीं है, यहाँ की सेवा लाडली ने मुझे प्रदान कर दी। अब मैंने जब से ही निश्चय कर लिया अब से तब तब बरसाना जाना है, तब तब लाडली के लिए पोशाक लेकर जानी है, मेरी लाडली को पहनाना, तब तब मैं वृंदावन जाऊंगी तो बरसाने से बिना लौटे नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी लाडली वहां इंतजार कर रही होगी, उसे पोशाक पहननी होगी। अब ये लाडली की लीला थी जो उन्होंने वहां मेरी पूर कर दी, मतलब मैं मन से चाहती थी उन्होंने पूरा कर दिया, क्योंकि वहां लाडो को कोई करने वाला नहीं था। अब दूसरी बात भक्तों की आई कि ना मेजरमेंट क्या है वहां का, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, मैंने लाडली को और चारों सखियों को वहां देखा था, लड्डू को देखा था, मैंने कोई नाप नहीं लिया था, बस मेरी आंखों में छवि बसी थी कि हाँ इतने ये हैं, और अंदाजे से मैंने पोशाक बनाई, जब मैंने उन्हें वहां पहनाई तो बिल्कुल फिट आई एकदम, ना छोटी ना बड़ी, नाप एकदम परफेक्ट बैठा, मैंने नाप लिया ही नहीं था ना मैंने फीते से नापा, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ अंदाजे से मेरे मन से ना मतलब मैं अभी भी नेत्र बंद करती तो सिर्फ मुझे लाडली ऐसा साक्षात दिखाई दे जाती कि हाँ मैंने इनको ऐसे पोशाक बनाई थी कि इनका ये नाप है इस तरीके से, तो बस मैंने डायरेक्ट जो है ना वो पोशाक बना दी, इसलिए मेरे पास में कोई नाप नहीं है राधे।
नेक्स्ट ये भक्तों का कहना था कि मैंने झूठ बोला, ऐसे बोला था लाडली को पोशाक धारण करानी है, और बल्कि आपने बरसाना महल में पोशाक नहीं दी, और आपने तो मतलब झूठ बोलकर आप मतलब कि चैनल की टीआरपी बढ़ा रहे हो। तो सेकंड बात में भक्तों कहना चाहूंगी, मैंने सेवा लाडली की चाहती थी, लेकिन वहां लाडली को पहनाने वाले लाखों हजारों भक्त हैं, लेकिन मेरी वहां लाडली का करने वाला कोई नहीं है। तो लाडली ने मुझे खुद ऐसी सेवा प्रदान कर दी कि जहां मेरा कोई नहीं कर रहा वहां करो ना, वहां तो करने वाले अनेकों गोस्वामी जी हैं, अनेकों भक्त हैं वहां पर करने वाले, तो आप वहां करो। तो ये लाडली ने ही सेवा प्रदान की, और मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, वो भी हमारी लाडली और मेरे लालजू जो वहां पे विराजमान है वहीं पर उनकी गोद भराई हुई थी, तो वहीं पर ही पोशाक धारण कराई गई, इसमें कोई झूठ नहीं। अगर आपको फिर भी झूठ लगता है तो लगता रहे, क्योंकि मेरी लाडली वो भी है और वो भी है, जगह ही तो अलग है, गोद भराई अलग हुई है, सगाई अलग जगह हुई है, हर जगह अलग अलग महिमा है। तो जहां तक के लिए हम कर पा रहे हैं, लाडली की कृपा से ये सेवा प्राप्त हुई है, और मैं इस सेवा को जब तक जीवन है तब तक तो छोड़ना नहीं चाहूंगी। लाडली ही सेवा को पूर्ण करवाएगी, जब तक वो चाहेंगी तब तक ये सेवा उन्हें प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि जो सेवा प्रदान की। वहां के पंडित जी महाराज ने कहा कि आप सेवा कर सकते, तो मेरे मन में भाव आ गया कि मैं जब भी आना तो मुझे लाडली के लिए ऐसे करना है। तो इस तरीके से जो है ना लाडली की पोशाक सेवा की जो है ना सेवा लाडली ने स्वयं से प्रदान की। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।